अगर मगर के खेल में हेड कोच का फैसला हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच का नाम फाइनल कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रीन शर्ट्स के नए हेड कोच मिकी आर्थर ही होंगे। नजम सेठी ने 23 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि मिकी आर्थर के साथ 90% मामला तय पा चुके हैं, जिसके बाद अब जनूबी अफ्रीकी नजात ऑस्ट्रेलवी कोच ने भी ग्रीन शर्ट्स के साथ मुंसलिक होने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। मिकी आर्थर इस वक्त इंग्लिश काउंटी डर्बीशायर की कोचिंग कर रहे हैं और वो मौजूदा काउंटी सीजन मुकम्मल होने के बाद ही कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। अप्रैल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान कोचिंग की जिम्मेदारी असिस्टेंट कोच के पास होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में शेड्यूल ओडीआई वर्ल्ड कप में मिकी आर्थर पाकिस्तान के कोच की हैसियत से जिम्मेदारियां निभाएंगे। इससे कबल वो 2016 से 18 तक पाकिस्तान के हेड कोच रहे। उनकी कोचिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने 2017 में पहली बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। मिकी आर्थर जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की कोचिंग भी कर चुके हैं।